अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फरहत तलवार है। मेरा ताल्लुक आईबीए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खैरपुर से है। इससे पहले भी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपकी खिदमत में हासिल कर चुके हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है माइक्रोवेव ओवन की रिपेयरिंग। ये माइक्रोवेव ओवन यूनिट है जिसे कि देख रहे हैं। जिन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है तो ये देखने मकसद इसमें खाना रखकर गर्म किया जाता है। ये इसका टाइमर लगा हुआ है। ये इसका हीटिंग मोड सिलेक्टर है कि अक्सर हमें ज़्यादा हीट चाहिए या दरमियानी चाहिए या फुल हीट चाहिए, तो ये आपको देख रहे हैं सिलेक्टर स्विच इसका। और ये टाइमर लगा हुआ है, मैनुअल है ये। इसमें डिजिटल भी आते हैं माइक्रोवेव ओवन। और ये देख रहे हैं ग्लास प्लेट रखी हुई है, इसका इनर कैबिनेट है, इस तरह माइक्रो स्विच लगी हुई है, इसका डोर है और ये डोर कैचर वगैरह लगे हुए हैं। इस तरह इसमें जब भी कोई खाना वगैरह गर्म करना होता है तो मेटल के अलावा इसमें शीशे की या ख़ास एक किस्म की बर्तन बने होते हैं वो उसमें रख के खाना गर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास व्यूवर्स इस पर आज डिफेक्ट आया है कि ये यूनिट काम नहीं कर रहा माइक्रोवेव। हमने कहा चलो ये कि अब इसको रिपेयर भी करते हैं और आपको भी इसकी रिपेयरिंग का तरीके का पर्पस बताते हैं। ये एसी वोल्ट में चलता है, 220 वोल्ट इसको चाहिए होते हैं पूरे। अगर किसी वजह से वोल्टेज अप या डाउन होंगे तो ये हीटिंग नहीं करता, तो उस सूरत में भी फिर हमें स्टेबलाइजर या उसके वोल्टेज को मेंटेन करना होता है ताकि हमारा यूनिट सही से काम करे। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या कर रहा है। हमने इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड हमने अपने पास रखा हुआ है पहले से, हमने इसको लगाया ऑन किया है और अब हमने इसका पहले हीटिंग मोड सेलेक्ट किया, अब हमने टाइमर ऑन किया पर ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हमारा सिस्टम ऑफ है, डेड हुआ हुआ है, इसमें कोई सप्लाई नहीं आ रही, कोई करंट नहीं दे रहा। अब हम इसको ऑफ करके इसको ओपन करके हम देखते हैं। इसके बॉडी के बैक साइड पर और साइड में स्क्रू लगे होते हैं, उसके लिए हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए होंगे। फ्लैट स्क्रू ड्राइवर भी होना चाहिए, फ्लैट भी होना चाहिए। कॉम्बिनेशन प्लायर है हमारे पास, नोस प्लायर है और एक अदर मल्टीमीटर या क्लैंप ऑन मीटर में भी ऑप्शन होते हैं। वो दोनों से एक चीज़ हमारे पास होना जरूरी है। अब हम आगाज़ करते हैं। ये देखिए हम साइड से पहले कुछ स्क्रू हमने पहले से रिमूव किए हुए हैं, इसका साइड से स्क्रू हमने खोला। इसका बैक साइड पे भी स्क्रू लगे हुए हैं, वो भी हम खोल रहे हैं। इसके टॉप कवर के स्क्रू खुल चुके हैं। ये टॉप कवर इसमें बैक साइड पे इस तरह हाथ रख के ये इस तरह किया और ये इसका कवर रिमूव हो गया, ये देख रहे हैं आप। और ये अपने खोल कर साइड में रख चुके हैं। अब आप देखें इसका सारा सिस्टम आपके सामने ऑन जाहिर हो रहा है। ये जो लगा हुआ है ये मैग्नेट होल्डर है इसका, इसका ये बल्ब होल्डर लगा हुआ है, ये मेन फ्यूज लगा हुआ है, ये इसका कूलिंग फैन लगा हुआ है, ये इसका टाइमर है और नीचे सिलेक्टर स्विच है। और साथ में आपको इन साइड पर ये देखें ये नज़र आ रही है इधर इस तरफ डोर स्विच लगे। ये डोर किचन के साथ काम करते हैं कि अगर किसी वजह से हमारा यूनिट ऑन है और हमने डोर को ओपन कर दिया तो वो स्विच उसको ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा, ठीक है। और जैसे ही डोर बंद करेंगे वो फिर स्विच उसको आगे सप्लाई पास कर देगा और सिस्टम हमारा ऑन हो जाएगा। अब हमारा सिस्टम इस वक्त डेड हुआ हुआ है। हमने अपना मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर की प्रॉप को हम सेलेक्ट करेंगे कंटिन्यूटी ऑप्शन पर। ये देखें हमने जैसे कि आप नज़र आ रहा होगा ये हमने इस तरह इसको सिलेक्ट करके रख दिया है। और सबसे पहले हम इसकी मेन फ्यूज जो ये लगा हुआ है इस तरफ इसको हम चेक करेंगे कि आपस में कंटिन्यूटी शो कर रहा है नहीं कर रहा है। ये हमने एक प्रॉप एक साइड फ्यूज के एक साइड पर लगाई और एक प्रॉप दूसरी साइड पर लगाई। आपको शायद बीप की आवाज़ आ रही होगी और ये कंटिन्यूटी सिग्नल आ रहे हैं हमारा फ्यूज ओके। उसके बाद इसमें एक ओवरलोड लगा हुआ है जो कि ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उसको ट्रिप करा देता है, बंद कर देता है और आगे सप्लाई नहीं जाने देता ज़्यादा हीटिंग की सूरत में। और अगर किसी वजह से इसमें भी फॉल्ट हो जाता है तो ये आगे सप्लाई नहीं करता। अब हम इसको भी चेक करने लगे, बीप की आवाज़ है यानी कि हमारा ये ओवरलोड भी ठीक है।
अब यहाँ से सप्लाई आगे जा रही है पर कहीं एक जगह पर जाकर ब्रेक हो रही है, तो हम इसको फाइंड करेंगे। हम इसका ये मैग्नेट्रॉन है, ये हाई वोल्टेज इसका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं हाई वोल्टेज कैपेसिटर लगा हुआ है, और अब हम इसकी वायरिंग को चेक करने लगे हैं कि कहाँ पर आया कि प्रॉब्लम है। साथ साथ हम आपसे देखते जा रहे हैं, ये हमारे ये डेक्स वगैरह सारे ठीक लगे हुए हैं, कैपेसिटर भी हमारा ठीक है, डायोड हमारा ठीक है, सिस्टम हमारा डेड है, तो इसका मतलब 100% की सप्लाई का प्रॉब्लम है। अब हमने देखा, देखते रहे, यहाँ पर अब हमें ये नज़र आ रहा है, वो ये देखेंगे हमारी एक मेन वायर इसमें से निकली हुई, तो ये यकीनन लूज़ हो गई होगी क्योंकि चलता है, वाइब्रेट करता है। हमने इसको प्रेस किया थोड़ा सा इसके जेक को, और हमने इसको इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। ये हमारे लोड स्विच की वायर निकली हुई थी, वो हमने कनेक्ट कर दी है, इसी वजह से उसकी कंटिन्यूटी ऑन नहीं हो रही थी। आते हैं हम इसको चला कर देखते हैं कि हमारा सिस्टम ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। सिस्टम हमारा ऑन हो गया है। अब हम इसमें पानी रखकर गर्म करके देखेंगे कि हमारा एक देखिए अपने शीशे का ग्लास लिया, इसमें पानी है, ये हमने इसके अंदर इस तरह रख दिया, इसको 1 मिनट पर सिलेक्ट किया, हमारा सिस्टम ऑन हो गया है। और अब हमने ये देखना है कि आया कि वाकई जो हमने इसके अंदर पानी रखा है गर्म कर रहा है, हीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम देखने लगे हैं। जैसे इसका टाइम पूरा हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली इस इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ हो जाएगा, और फिर हम अपने ग्लास निकाल कर चेक करेंगे। हम इसको खुद ही मैनुअली ऑफ कर देते हैं, इस तरह के टाइमिंग पे नज़र आती है। अब हमने इसको ऑफ करके ये हमने इसका ग्लास निकाल कर देखेंगे, हाँ पानी हमारा ठीक गर्म हुआ है, हमारा यूनिट में जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो गया है, सिर्फ लोड स्विच की एक वायर निकली है। सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बाज बात ओवन में इस तरह के छोटे छोटे पार्ट आ जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप फोन ही उसको टेक्नीशियन के पास ले जाएं, इतनी इसका कवर आसानी से खोला जा सकता है, इसको ड्राइवर की मदद से थोड़ी बहुत वायरिंग फ्यूज वगैरह खुद देखा जा सकता है। जैसे मैंने खोल के देखा एक वायर निकली थी, मैंने लगा दिया, मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अगर यही मैं मार्केट लेके जाता 600, 800, 900, 1000 रुपये इस तरह खर्चा होता, तो देखिए मेरे वो पैसे बच गए। आज आपने माइक्रोवेव ओवन के मुतालिक समझा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी होगी इंशाल्लाह। तो आइंदा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दी, जल्दी हाजिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।